वहीं छत्तीसगढ़ से खबर है, रायपुर में रैपिड एंटीजन किट से जांच की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अस्पतालों को अनुमति मिल गई है रैपिड एंटीजन किट से जांच की। नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब अब आवेदन कर सकेंगे। तो रैपिड एंटीजन किट से जांच की अनुमति मिली है, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अस्पतालों को अनुमति इसकी मिल गई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से। अभिषेक, जाहिर सी बात है टेस्टिंग में तेजी मिलेगी इससे? निश्चित रूप से टेस्टिंग में तेजी मिलने वाली है और यही सोचकर ही राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि सभी निजी लैब और जो हॉस्पिटल्स हैं जो पंजीकृत हैं उनको ये अनुमति दी जाए कि वो टेस्टिंग कर सके, एंटीजन टेस्टिंग ये कर पाएंगे ये सभी अस्पताल। वो इसके लिए पंजीकृत उनका होना बेहद जरूरी है। आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से ही जो अप्रूव किट है उससे ही वो टेस्टिंग कर पाएंगे। निश्चित रूप से जो अस्पताल, इसमें अस्पतालों को भी सुमित ये कहा गया है कि आप अगर करना चाहते हैं तो अप्लाई करें, इसके लिए किसी पर कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं डाला गया है। तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल या लैब है वो अगर टेस्ट करना चाहते हैं एंटीजन टेस्ट, तो उसके लिए उनको अप्लाई करना होगा और वहां से मंजूरी मिलेगी और आईसीएमआर का जो अप्रूव किट है उससे वो टेस्टिंग कर पाएंगे। एक बड़ी समस्या वाकई टेस्टिंग की थी और खुद केंद्र सरकार लगातार और राज्य सरकार इस बात पर जोर दे रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए। तो निश्चित रूप से आपने सही कहा, टेस्टिंग बहुत तेजी के साथ होगी तो कोरोना संक्रमण की पहचान जल्दी होगी और जल्दी पहचान होगी तो जो स्प्रेड होता है बहुत तेजी के साथ वो स्प्रेड नहीं होगा और इसको कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। तो एक अच्छी पहल है निजी अस्पतालों को और खास ये भी शर्त रखी गई है कि जो रेट तय किए गए हैं उसी रेट के आधार पर इन अस्पतालों और लैबों को ये टेस्ट करना होगा। तो सारे गाइडलाइन बना दिए गए, उस गाइडलाइन के हिसाब से टेस्टिंग होगी तो निश्चित रूप से फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में रैपिड एंटीजन किट से जांच की अनुमति मिली है और छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अस्पतालों को यह अनुमति मिली है, हालांकि इसमें कोई बाध्यता नहीं है। नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब आवेदन कर सकते हैं, कोई दबाव अस्पतालों पर नहीं रहेगा, लेकिन रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट होने पर टेस्ट की क्षमता बढ़ेगी और टेस्टिंग में तेजी यहां पर देखने को मिलेगी।